और अब हम चलते हैं नॉर्थ आइलैंड की तरफ, जहाँ पे काफी एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हम करेंगे। नॉर्थ आइलैंड के बाद हमारा सेकेंड यही होगा आज का, और आज काफी हिचकोले खाते हुए जा रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारी नाव में हम सभी बैठे हुए हैं, सभी वाइफ पे जाएंगे, और आज काफी अच्छा समुद्र मजे आ रहे हैं आज। वो इस बार खतरनाक है यार। अच्छी दूरी पर यहाँ से पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमारे एडवेंचर क्रूज की शुरुआत होगी। काफी मजा आया सफर में यहाँ तक आने में। अरे एक बार रजिस्टर करा देते हैं, एनरोल करा देते, उसके बाद आ जाएंगे। यहाँ पे हम कपड़े वपड़े चेंज करेंगे स्कूबा के लिए, और ये अभी बुला रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ काउंटर पे एंट्री करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एक जगह दी जाती है, जिसमें हमें एक नंबर ये कमरा दिया गया है, जिसमें हम बैठ के
हमें फॉर्म भराया जाता है या कुछ बीमारी वगैरह कुछ नहीं है या कुछ जैसे कि ये भरा जा रहा है या आपसे भरा जाएगा जब आप यहाँ पे आएंगे। तो हमने फॉर्म भरे हैं, साइन वाइन किए हैं, इसके बाद हमें ड्रेसेस दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, देन वी गो टू अंडर वाटर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके ड्रेस मिलती है चेंज करेंगे, आपकी वो सब कुछ जूते जो भी आपने पहना है सब कुछ निकालना होगा, ये पहना फिर उसके बाद आप देखते हैं वापस आके। हाँ इसको पटाने के लिए रेडी। मेरे को ठीक लग रहा है, दे आर रेडी। ए हैड साइंड हिज डेथ वारंट। ये लोग तो ना वैसे ही करते हैं, वैसे नहीं करते, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आपको अच्छी चीज देंगे। अरे ये इन लोगों का वो मार्केट में अपने नॉर्मल से ही करा था है ना। अरे वो सही है, मैंने फोटोज देखी है ना, प्रो में सही है, ऐसे नॉर्मल में सही है। इसको बोलो 500 के तीनों का करें। अरे भाई बढ़िया है, मैंने फोटोज देखी है। पर पर्सन 500 आपने देखे हैं क्या? मेरे को तो ठीक लगा। देखो स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी आ रहा। स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी जाएंगे नीचे भैया के साथ। भैया को दिखाइए एक बार, फोटोग्राफी करेंगे इस कैमरे से, दिखाना एक बार आप थोड़ा सा। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, काफ़ी अच्छा होगा। मिलते हैं उसके बाद में, टाटा बाय बाय, जय श्री राम। और अभी चेंज करने का टाइम आ गया है, कपड़े यहाँ पे चेंज करेंगे। पूरा मजा आया। अभी आपको बताता हूँ, एक बार चेंज कर लेते हैं उसके बाद। तो अभी हमने स्कूबा डाइविंग कर ली, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अंदर मछलियाँ यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पे आके काट रही थी, तो बड़ी मछलियाँ यहाँ पैर पे काटी थी। तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? मेरा तो बाद में डरा हुआ था भाई, लास्ट में जाके समझ गया, तीन बार ऊपर आया था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पहले ब्रीदिंग इश्यूज वो बता रहा था कि तेरे साथ वाला ना उसको वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो उसको वो तैरना नहीं आता। वो मेरे को बताया था, मैं ऊपर आया ना तब बताया था। ठीक था, तीसरी बार मैंने ठीक किया, काफी गया, 5 मीटर तक गया था, बस 6 मीटर तक गया था। मैं तो डीप गया था पूरा नीचे तक, डर लगता है भाई। पैर पे आके बड़ी सी मछली यहाँ पे आके खाई पहले, तो उसके बाद वो तेरे डेड स्किन के लिए वो मछली आई थी छोटी छोटी यहाँ पे, तू गए नहीं? अरे पूरे चेहरे में मछली, मछलियों के पास गए थे यहाँ पे खाए, निकल गए थे। हाँ ब्लू वाली, और एक वो बड़ी वाली देखी थी यहाँ पे खाई थी पैर पे, मेरे को सेम पैर पे खाई थी। वो बता रहे थे कि उसके एरिया में आते ना तो काटती है। और बड़ी मछली देखी थी, एक हाथ बड़ी, और इतनी गजब वो, इतनी सुंदर वो, तो दूध क्यों रहा है तेरी, फट रही है? नहीं नहीं ठंड तो थी नहीं, तेरी फट रही है। मैंने तो चेंज भी कर लिया भाई, तुम तो भाई हो।
मैं सही था तो मेरे को तैरना आता था ना अंदर इसमें बैग में। और ये यहाँ का आज का जा चेंज कर ले। आ रहे हैं ऐसा बोला कि भी बोट आ रही है आपकी इसलिए आज आ जाइए आप, ये बोला उन्होंने। तो आज का हमारा ये टूर हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा मज़ा आया यहाँ पे, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से सिखाया। उसके बाद नीचे से समुंदर में गए तो जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था। और उसके जो अंडर वाटिंग वीडियोज़ फ़ोटोज़ है वो भी मैंने साथ में अटैच किए हैं, देखिएगा मज़े लीजिएगा। आप भी कभी अंडमान आए तो स्कूबा डाइविंग ज़रूर करना, मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय राम जी की, टाटा बाय बाय।